मेरा नाम राम बाबू है और मैं मोहाली से आता हूं और 16 साल से टीम को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन जो भी मैच रहे, कहीं भी मैच रहे, वहां पहुंचते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड कप में अलग ही जो मूवमेंट रहा है टीम इंडिया का, जो परफॉर्मेंस रहा है लगातार 10 की 10 जीत कर दर्ज करके, क्योंकि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड सामने था और ऐसे सब लोग बोल रहे थे 2019 का रिपीट, न्यूजीलैंड तगड़ी है ये। देखो जो भी टीम रही है इंडिया टीम के सामने, सब टीमों को हराया, लेकिन आज इतिहास से बस थोड़ा समय बाकी है। 2011 की जीत इंडिया करेगी रिपीट, क्योंकि 2011 में महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता गया था, लेकिन अब 12 साल बाद ये अब रोहित शर्मा पूरा करेंगे सपना और टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करके आज वर्ल्ड कप जीतेगी। कौन से प्लेयर से सबसे ज्यादा उम्मीद है? बिल्कुल 11 के 11 खिलाड़ी खेलेंगे तो उम्मीद से भर के क्या पूरा निखर के आएगा जो परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी ओपनिंग स्टार्ट रहेगी हमारी शुभमन गिल और रोहित शर्मा। शुभमन गिल का होम ग्राउंड है और शुभमन गिल ने यहाँ शतक भी मारे हैं और शुभमन गिल से आज शतक भी चाहिए हमें, और शुभमन गिल आज करेंगे परफॉर्मेंस, क्योंकि रोहित शर्मा जो पारी खेल रहे हैं, स्टार्ट दे रहे हैं, तो वो कंटिन्यू रहना चाहिए। डर के बिल्कुल नहीं खेलना, मार के खेलना है, क्योंकि एक खिलाड़ी मार के खेलेगा तो सामने वाली टीम के हौसले ध्वस्त होंगे और टीम इंडिया जरूर ये इतिहास रचेगी। बिल्कुल शम्मी का जादू तो चल रहा है, बुमराह का भी जादू चलेगा, सिराज और हमारे लोकल मैन रविंदर जडेजा जी, बापू आज विकेट चाहिए 6-5 विकेट, तो आज इतिहास रच दो पाजी, बस यही है। जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत।